सलाम को कीजिए। हाँ अच्छे लगा मैंने बड़ा प्यार स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में पहले शुरू में। तो हम फिर से आ चुके हैं एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। तो आज हम फिर से करेंगे एक और नए संताली गाने का रिएक्शन और इस गाने का नाम है अलंग ए दुल सगई जो कि आया है राजू सोरेन नाम के चैनल पे। और भैया चार दिन पहले अच्छा खासा व्यूज ला चुका है, ट्रेंडिंग नंबर 13 पे चल रहा है, तो काफी वायरल हो रहा है और काफी अच्छे खासे व्यूज ला रहा है। और इस गाने को गाया है राजू सोरेन और गुड्डी हेमरन ने और इसमें जो स्टारिंग है वो है अभी और पूनम सोरेन काफी नामी सिंगर है, संथाली मतलब नामी एक्ट्रेस है संथाली म्यूजिक इंडस्ट्री की। और अलंग के दुलर सगई का मतलब होता है तुम्हारी और मेरी प्रेम कहानी, ठीक है, हमारी प्रेम कहानी एक तरह से ले लो, ठीक है। तो चलिए रिएक्शन करते रिव्यू करते और जानते कैसे रहती है इसकी लिरिक्स, कैसे रहती है इसकी म्यूजिक, कैसे रहती है इसकी वाइब, सब चीज का आंसर मिलेगा सिर्फ यहाँ। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और चलिए शुरू करते रिएक्शन का कारवा। गाना लगा गया एडवांस, चलिए शुरू करते हैं अलंग ए दुलर सगई जो कि आया है राजू सोरेन और अच्छा खासा व्यूज आ चुका है। तो चलिए देखते हैं थ्री टू वन लेट्स गो। राजू सोरेन अलंग ए दुलर सगई। म्यूजिक स्टार्टिंग काफी यूनिक पैटर्न्स होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसी मेलोडी नहीं सुनी है, ठीक है, क्योंकि भाई ये मेलोडी काफी यूनिक और डिफरेंट टाइप की वाइब देती है, ठीक है। जिस तरीके से ड्रम्स का यूज करा गया, जिस तरीके से विशल्स का यूज करा गया, ठीक है, तो वो काफी अलग पैटर्न एक देती है, ठीक है, और काफी अलग तरीके से एक म्यूजिक स्टार्ट होता है जो कि मुझे क्यूरियस करती है कि भाई आगे क्या आने वाली है गाने में, क्योंकि मैंने गाना कभी नहीं सुना और पहली दफा सुन रहा हूँ। तो ये मेरा रिएक्शन के साथ साथ मतलब एक अलग ही पर्सपेक्ट बन रहा है कि भाई ये गाना कुछ अलग जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि म्यूजिक स्टार्टिंग की ही अलग है, ठीक है। तो काफी एक्साइटेड हूँ, काफी क्यूरियोसिटी से भरा हुआ हूँ कि आगे क्या गाना होने वाला है, ठीक है, और चलिए देखते हैं आगे कैसा रहता है ये गाना, इसकी लिरिक्स कैसी रहती है, सारी चीजों का आंसर मिलेगा सिर्फ यहाँ पे। तो भाई सब स्टार्ट होता है, इसकी जो लिरिक्स है काफी स्वीट एक स्टोरी की तरह चलती है, ठीक है, कि जैसे रोमांटिक स्टोरी होता है ना, रोमांटिक स्टोरी को पिरोया गया है, ठीक है। और इसके लिरिक्स राइटर जो है वो है, लिरिक्स और कंपोज किया गया लव बॉय इनका नाम है, ठीक है, लव बॉय के द्वारा। तो जो स्टोरी है, ठीक है, इस तरीके की है, जैसे मतलब लड़का कह रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में कि जो तुम्हारी और मेरी प्रेम कहानी है, ठीक है, वो आग की तरह जंगलों में फैल रही है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, सारे जगहों को मतलब सारे लोगों को, सारे जग में हमारी चर्चा है, ठीक है, सारे लोगों को हमारे प्रेम कहानी की पता चल रही है। तो इस तरीके को भाई, अब संथाली को मैं अगर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा तो इसी तरीके की वाइब लगेगी। अब क्या करूँ मैं, ठीक है, लोगों को बताना भी पड़ता है कि हाँ भाई मुझे संथाली समझ आ रही है, तो अब क्या करूँ, देना पड़ता है थोड़ा डिस्क्लेमर, थोड़ा सबटाइटल्स। तो उसी तरीके की स्टोरी ड्रीवन लिरिक्स को लिखा गया जो कि एक कपल्स के बीच में जो होता है उसी को बताया गया है। और इसकी वीडियोग्राफी और कोरियोग्राफी की अगर बात करूँ तो वो किया गया वरुण ओलिक छोटू लोहार के द्वारा। तो वीडियो में नो कॉम्प्रोमाइज कि भाई वीडियो खराब होने वाली है, वीडियो बहुत ही ब्रिलियंट होने वाली है, छोटू लोहार बहुत ही अच्छे डायरेक्टर और कोरियोग्राफर है, तो उसके लिए तो मैं भाई फुल मार्क्स देने वाला हूँ। पर इसकी जो लिरिक्स है वो काफ़ी अच्छी है, तुम्हें काफ़ी क्या बोलते हैं स्कूल लाइफ वाली, वो जो एक होता है ना कि भाई जब तुम प्यार करते हो किसी से, तुम अपनी चीज़ों को मेटाफोरिकली कंपेयर करते हो चीज़ों से, ठीक है, हमारी प्यार की तो ये है, वो है, दिस है, दैट है, बहुत सारी चीज़ें होती है, चांद तारे वाले भी बात होती है। तो उसी तरीके से ये गाने के लिरिक्स
थीम से स्टार्ट होती है और जो इसका म्यूजिक है वो दिया गया है सीएस ब्रदर के द्वारा। तो म्यूजिक काफी अच्छा है, काफी अच्छे तरीके से, मतलब काफी यूनिक पैटर्न के साथ पहले तो स्टार्ट होती है, उसके बाद जिस तरीके से लिरिक्स के साथ ये बैठता है वो काफी मजेदार लगता है, काफी अच्छा लगता है सुनने में। अब पता चला ये गाना ट्रेंडिंग नंबर 13 पे क्यों चल रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्ड करा गया, बहुत अच्छे तरीके से कंपोज करा गया। प्लस में इसकी मिक्सिंग की अगर बात करूँ तो मिक्सिंग काफी क्रिस्टल क्लियर लग रहा है मुझे वोकल और म्यूजिक के बीच में, जो कि आमतौर पर संथाली म्यूजिक इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं कम होती है। ठीक है, बहुत सारे गानों में ऐसा तुम नहीं देखोगे, क्योंकि थोड़ा बहुत घिचबिच लगता है चीज है, बट इसमें काफी क्रिस्टल क्लियर मिक्सिंग है तो अच्छा लग रहा है सुनने में। और लिरिक्स भी बहुत ही स्वीट है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बाकी गाना तो अच्छा जा रहा है, देखते हैं आगे और क्या सरप्राइजेस मिलते हैं हमें। परफेक्ट है कि भाई छोटू लोहार की अगर वीडियो होती है तो ठीक है, उसमें जो कल्चरल ड्रेसेस होते हैं ना उसको काफी ज्यादा इंक्रेज करते हैं, वो काफी ज्यादा उसको हाईलाइट करते हैं, क्योंकि भाई तुम बैकग्राउंड डांसर्स को ले लो या फिर इवन एक्टर एक्ट्रेस को ले लो, वो काफी संथाल जो क्या बोलते हैं ड्रेसेस होते हैं वैसा वेयर करवाते हैं, वैसा पहनाते हैं, ताकि भाई एक रूटेड रहे, एक कल्चरल लगे, जो कि मुझे काफी बहुत पसंद है। पर्सनली मैं उसका फैन हूँ, क्योंकि भाई वो जो ड्रेसअप करवाते हैं ना वो काफी कल्चरल और काफी रूटेड होता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। ठीक है, और जिस तरीके से दोनों सिंगर्स ने जिस तरीके से गाया, राजू सोरेन और गुड्डी ने, बहुत ही अच्छा आवाज है दोनों का। ठीक है, बहुत ही सुंदर आवाज है, खासकर राजू का जो जिस तरीके से स्टार्ट होता है उनकी आवाज में जो खरापन है वो मुझे बहुत ही पसंद है। ठीक है, क्योंकि लिरिक्स सिंपल है, ठीक है, लिरिक्स काफी सिंपल है, एक स्टोरी जैसे एक लवर बॉय और गर्ल्स के बीच में जो चीजें होती हैं वही सारी चीजों को डिस्कस की जा रही है, बट जिस तरीके से उसे गाया और जिस मधुरता के साथ उसे और भी तुम्हें मेलेडी फुल और काफी टचिंग वाला फील कराते हैं, वो है इनकी आवाज, जो कि बहुत ही स्वीट और बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। तो अभी तक गाना ऑलमोस्ट हाफ खत्म हो चुका है, पर मुझे बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि भाई गाना एक तरह से स्वीट है, सिंपल है और बहुत ही अच्छी तरीके से लेयर में जा रहा है, तुम्हें वो फ्लो मिलती है, वो चीज़ें जो कि तुम सुनना चाहते हो। ठीक है, सूदिंग एक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस तुम्हें मिलता है, तो अच्छा लग रहा है। चलो आगे देखते हैं और क्या सीन है। तो भाई यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से कैमरा वर्क्स करे गए हैं, ठीक है, वीडियोग्राफी में, वो बहुत ही एज यूजुअल ब्यूटीफुल लगती है और बहुत ही अच्छे तरीके से कंपोजिंग लगती है, क्योंकि
जो छोटू लोहार हैं वो एक तरह से डांसर थे, तो भाई उनकी जो विजन होती है वो उसी तरीके की होती है, तो वो तो अच्छा लगता है। प्लस मैं म्यूजिक जो बात करूँ, ठीक है, म्यूजिक को काफ़ी तुम अगर देखोगे ना तो भाई एक तुम्हें कल्चरल वाइब भी मिलती है, ठीक है, सुनने में, ठीक है, तुम्हें वो ढोल वगैरह वो नगाड़े वगैरह तुम्हें कल्चरल से रिलेटेड टाइप में लगते हैं। प्लस में जो लिरिक्स है, ठीक है, लिरिक्स तुम्हें काफ़ी लवेबल लवेबल वाइब देती है, ठीक है, जैसे कि अभी जो लिरिक्स है, ठीक है, कि लड़ाइयाँ तो होती हैं हमारे बीच में, ठीक है, पर कभी दिल ना टूटे, ठीक है, इस तरीके की चीज़ों को बताई गई है, तो भाई वो एक काइंड ऑफ तुम्हें बटरी बटरी स्माइल वाली फील देती है, ठीक है, तुम सुनोगे जब लिरिक्स समझोगे, ठीक है, तो तुम्हारे ऑटोमेटिकली फेसेस पे बटरी बटरी स्माइल्स आने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि काइंड ऑफ तुम उस जोन में ढकेला जाओगे, ठीक है, कि भाई जहाँ पे हमारी पहली मोहब्बत हुई करती थी, ठीक है, तो वहाँ पे चले जाते हैं लोग, तो अच्छा लगता है देखने में, ठीक है, और मज़ा आता है कि भाई इतनी स्वीट और सिंपल लिरिक्स के साथ भी लोग इतना अच्छा इतने अच्छे तरीके से तुम्हें एक सोलफुल गाना दे रहे हैं, मजा आता है, ठीक है, और चलो आगे देखते हैं। तो भाई सब गाना हो चुका है खत्म, और जैसा कि छोटू लोहार का ट्रेडिशन हाँ तो भाई सॉरी लाइट कट गई थी, तो गाना हो चुका है खत्म, और जैसा कि छोटू लोहार का ट्रेडमार्क है, ट्रेडिशन है कि भैया गाना कल्चर पे ही खत्म होनी चाहिए, तो उसी तरीके से ये गाना भी एक कल्चर रिलेटेड के साथ ही खत्म होता है कि पैर धोया जाता है, जब भी कोई बाहर से आता है ना तो उसके पैर धोए जाते हैं घर में एंटर करने से पहले, जैसे कि अगर मेरी बहन है, ठीक है, और मैं उसके घर गया, ठीक है, तो उसकी जो ननद वगैरह जो है, ठीक है, वो मेरा पैर धोएंगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारे कल्चर में है, ठीक है, तो उसी तरीके से ये कल्चर के साथ खत्म होता है, और बहुत ही सुंदर लगा ये चीज़ को देखकर, क्योंकि भाई छोटू लोहार कहीं ना कहीं अपने वीडियो में कहीं कुछ ना कुछ ऐसे डाल देते हैं जो कि कल्चर से रिलेटेड हो, जो कि तुम्हें दिखाती है कि भाई ये संथाली कल्चर को कितना प्रमोट कर रहे हैं, कितना लोगों तक लेकर जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सही बात है, आज के टाइम में जहाँ पे लोग अपने कल्चर को भूल रहे हैं वहाँ पे ये अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि हमें भी प्राउड फील लगती है, ठीक है। बाकी अगर गाने की बात करूं तो गाना काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मस्त था, ठीक है, मज़ा आ गया सुन के, ठीक है, काफ़ी लिरिक्स सिंपल और एक रोमांटिक वाला वाइब लगता है, ठीक है, क्योंकि भाई एक लव स्टोरी ड्रिवन के साथ एक लव स्टोरी को ही बताया गया है, ठीक है, जो कि एक मेटाफोरिकली कपल्स मतलब लड़का और लड़की दोनों को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी अच्छा लगा देखने में। प्लस वो जो सिंगर है राजू सोरेन, उनका आवाज़ बहुत ही सही था, गुड्डी ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से गाया, मतलब बहुत ही दोनों की आवाज़ मुझे पसंद है, बहुत ही सूदिंग और बहुत ही अच्छी तरीके से गाया है, और इस गाने को थोड़ा क्या बोलते हैं रोमांस के साथ, मतलब रोमांटिक गाने के साथ साथ थोड़ा बहुत वो क्या बोलते हैं डांस वाली भी वाइब रखी गई है, ताकि लोग अगर कोई फेस्टिवल हो कुछ समथिंग हो तो डांस भी कर सके, तो वो एक अच्छा लगा मुझे देख के। म्यूजिक बहुत अच्छा था, म्यूजिक दिया गया सीएस ब्रदर के द्वारा, जो कि काफ़ी यूनिक पैटर्न्स के साथ, और वो पैटर्न इस तरीके की डाली गई है जो कि लोग डांस कर सके उस गानों पे, क्योंकि मैं जब सुन रहा था तो मुझे उस गाने से ऐसा उसके रिदम से ऐसा लग रहा था कि भाई ये रिदम थोड़ी डांस वाली है, तो वो डांस वाली रिदम भी है, ठीक है। और बाकी अगर एक्ट्रेस की बात करूँ तो अभी काफ़ी नए हैं, ठीक है, अभी काफ़ी नए हैं, और बहुत ही अच्छा काम करा है उन्होंने, बहुत ही अलग अलग गानों में भी काम करा है, तो उनकी एक्सप्रेशंस वगैरह बहुत ही अच्छी लगती है, ठीक है, और अच्छे एक एक्टर के रूप में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। वहाँ साथ ही में पूनम सोरेन की अगर बात करूँ तो वो काफ़ी पुरानी एक्ट्रेस हैं और काफ़ी नामी एक्ट्रेस हैं, तो उनका एक्सप्रेशन और ये सब गेम में मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता, वो खुद ही ब्रिलियंट है, इसमें मास्टर है,
तो ओवरऑल मेरा गाना, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और ये गाना बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो मैं मस्ट वॉच रिकमेंड करूंगा। ट्रेंडिंग नंबर 13 पे चल रहा, तो प्लीज जाकर तुम भी देखो और जितना ज्यादा हो सके उतना सपोर्ट करो, क्योंकि यही सारे गाने होते हैं जो कि हमारे कल्चर को रूटेड चीजों को प्रमोट करती हैं और अच्छी लगती है चीजें देख के। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, मैंने इंजॉय करा टाइम अपना, ठीक है। ऑलमोस्ट 5 मिनट का गाना है पर मुझे फील नहीं हुआ ये 5 मिनट का गाना है। मजा आता है तुम्हें सुनने में, लिरिक्स तुम अगर समझते होगे तो मजा आएगा तुम्हें, काफी स्टोरी वाला सॉन्ग है तो मजा आता है। बाकी तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस है, अगर तुमने ये गाना सुना है तो जरूर बताना हमें कमेंट सेक्शन में, और तुम्हें कैसा लगा हमारा वीडियो ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हम जिस गाने को रिव्यू कर रहे हैं, जिस गाने पर रिएक्ट कर रहे हैं, हमारा रिएक्शन, हमारे क्रिटिक्स तुम हो, तुम ही बताओगे कि हमारा रिएक्शन वीडियो कैसा चल रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, रिलेटेबल है, तुम कनेक्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, सभी चीज़ें कमेंट सेक्शन में हमारे लिख दो, और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है कि आगे और हम कर सके काम, ठीक है। आपका सपोर्ट, आपका प्यार ही हमारे लिए बहुत कुछ, सब कुछ है, ठीक है। तो ओवरऑल इसी के साथ हम लेते हैं अलविदा, फिर से मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय 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 बाय।